वेलकम बैक इन एसी क्लासेज फॉर केमिस्ट्री टुडे। आज हम लोग 12th के केमिस्ट्री के लिए बात करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग मेटलर्जी के थर्मोडाइनेमिक प्रिंसिपल की बात किए थे। आज हम लोग उसके बाद वाला टॉपिक जो है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, कुछ मेटल्स हैं उनके बारे में बात करना है वन बाई वन। तो पहले आयरन है, उसके बाद कॉपर है, फिर एल्युमिनियम की बात करेंगे। तो पहले हम लोग आयरन की देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए, आयरन का जो मेन ऑक्साइड होता है वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं। तो उनको ले करके उनका पहले ये इनरिचमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर लिया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के बाद उनका रोस्टिंग कर लिया जाता है। रोस्टिंग से आपको आयरन ऑक्साइड मिल जाता है। वोलेटाइल इम्प्योरिटी जो है वो अलग हो जाती है। उसके बाद उनको हीट जो किया जाता है बेसिकली, तो ये हीट करने का प्रोसेस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस एक फर्नेस होता है और उस फर्नेस में जो हीट दिया जाता है बेसिकली हॉट एयर का ब्लो करा करके दिया जाता है। गर्म हवा का ब्लास्ट उसमें किया जाता है, इसीलिए उसको ब्लास्ट फर्नेस भी नाम दिया जाता है। तो उसमें लोअर रीजन में टेम्परेचर लगभग 2200 डिग्री केल्विन तक रहता है और ऊपर में आपका टेम्परेचर स्टेज वाइज कम होते जाता है। तो उसमें डिफरेंट जोन बन जाते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर के जोन, कुछ मिडिल टेम्परेचर के जोन, कुछ लोअर टेम्परेचर के जोन। ऊपर वाला लोअर होता है, नीचे वाला मिडिल होता है, सबसे नीचे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। और आयरन आपका सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद लास्ट में नीचे से निकलते जाता है। तो इस आयरन में जब हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस में बेसिकली तीन चीज़ डालना पड़ता है। एक तो आयरन का ऑक्साइड डालेंगे, दूसरा उसमें हम मिलाते हैं कोक जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और एक तीसरा चीज़ फ्लक्स भी मिलाना पड़ता है। क्योंकि आयरन के ऑक्साइड जो लिए जाते हैं उस आयरन के ऑक्साइड में सिलिकन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, कुछ अदर इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं। तो उसमें सिलिकन की इम्प्योरिटीज या सिलिकन डाइऑक्साइड आपका मेन है वो प्रेजेंट रहता है, और वो जनरली हीट करने पर भी आपको जल्दी मेल्ट होकर के आउट नहीं होता, अलग नहीं होता आयरन से। तो इसलिए उसको हटाने के लिए उसमें फ्लक्स के रूप में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। तो इस तरीके से फर्नेस में हमने तीन चीज़ डाला। एक चीज़ डाला क्या, तो एक चीज़ डाला आयरन का ऑक्साइड, दूसरा डाला उसमें कोक, और तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ओवरऑल पहले इसको ब्रीफ रूप में, समरी के रूप में पहले रिएक्शन को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग बोर्ड पर जो लिखे हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें तीन चीज़ जब डाले हैं तो होता क्या है कि जब आयरन का ऑक्साइड नीचे जाता है तो वो हीट होता है। तो कार्बन के साथ जब हीट होगा तो शुरू शुरू में जब कार्बन है तो कार्बन के साथ आयरन का ऑक्साइड जब कंबाइन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और आयरन का कुछ पार्ट अलग हो जाता है। फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो आयरन से, आयरन के रिमेनिंग ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और फिर आयरन को फ्री करता है। तो इस तरीके से आयरन ऑक्साइड से कार्बन के द्वारा रिडक्शन से भी निकलता है आयरन, और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी निकलता है। और आप थर्मोडाइनेमिक प्रिंसिपल में जान चुके हैं कि आयरन का ऑक्साइड का जो होता है, अगर 2FeO को Fe में बदला जाए और वो बाहर निकाला जाए, O2 निकाला जाए, तो इसमें +341 डिग्री केल्विन का आता है उसका गिब्स एनर्जी चेंज। और कार्बन का जो ऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो उसका उससे ज़्यादा रहता है, 477 अप्रॉक्स रहता है। तो 477 अप्रॉक्स रहता है माइनस में। तो इसलिए जब दोनों को ऐड करते हैं, यानी आयरन ऑक्साइड को जब हम कार्बन के रिएक्शन के साथ कपलिंग कराते हैं तो उस कंडीशन में ओवरऑल आपका -106 केल्विन आता है गिब्स एनर्जी चेंज 2 के लिए, 2 मोल के लिए, और 1 मोल के लिए लेते हैं तो -53 केल्विन आ जाता है। तो कहने का मतलब कि गिब्स एनर्जी निगेटिव हो जाती है अगर आयरन ऑक्साइड के हीटिंग प्रोसेस को हम लोग कार्बन या कार्बन के साथ हम कपलिंग करा देते हैं। तो कार्बन वहाँ पर रिडक्शन का काम करता है। अब आप पूछ सकते हैं कि तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्यों डाला गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो डाला जाता है तो हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर
कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले वाले रिएक्शन में भी निकल रही थी और इसमें भी निकली है, तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन से रिएक्शन करके फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक्सचेंज करके और रिडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपको बाहर निकलते रहता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है यह फ्लक्स की तरह काम कर रहा है और यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है SiO2 तो उसे कंबाइन करके जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड था तो मेल्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिला करके हीट किया जाता है तो बहुत उसके रिस्पेक्टिवली हाफ टेम्परेचर पर ये मेल्ट कर जाता है और मेल्ट करके कैल्शियम सिलिकेट नामक स्लैग बना लेता है। तो स्लैग दो काम करता है, एक तो आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हटा रहा है, दूसरा इसमें काम क्या करता है कि वो स्लैग जो होता है वो आयरन से हल्का होता है और इसीलिए आयरन नीचे रहते जमा होता है और उसके ऊपर मोल्टन स्टेज में और उसके ऊपर स्लैग ये तैरता रहता है, फ्लोट करते रहता है, तो इसलिए आयरन के फर्दर ऑक्सीडेशन से इसको प्रोटेक्ट भी करता है और नीचे से आयरन निकाला जाता है और एक्सेस जो स्लैग होता है उसको बाहर दूसरे वे से बाहर निकाल लिया जाता है। तो अब ओवरऑल इसी रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सा स्टेप वाइज रिएक्शन में देख लेते हैं और स्टेप वाइज रिएक्शन को आप याद रख लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको स्टेप वाइज रिएक्शन से ही क्वेश्चन ज़्यादा इराइज किए जाते हैं। तो देखिए पहला ये जो रिएक्शंस हैं तो इसको हम लोग कुछ पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि जैसे ब्लास्ट फर्नेस में, इन ब्लास्ट फर्नेस ऑक्साइड ऑफ आयरन इज रिड्यूस टू द मेटल, तो जैसे FeO आयरन का जनरल ऑक्साइड हुआ, कार्बन के साथ मिला तो कार्बन अलग हो गया, मतलब आयरन अलग हो गया सॉलिड या लिक्विड में मोल्टन स्टेज में और CO गैस निकली। दूसरे स्टेप में होता है कि रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टेक्स प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेज, ये रिडक्शन का जो प्रोसेस है तो चूंकि हम लोग देखे थे ब्लास्ट फर्नेस में अलग अलग टेम्परेचर रेंज है तो अलग अलग टेम्परेचर रेंज में अलग अलग तरीके से वो रिड्यूस होता है। तो अब ऊपर वाला जो हुआ सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वाला रीजन एट टेम्परेचर रेंज 500 to 883 केल्विन, तो इसमें रिडक्शन जोन भी इसको बोलते हैं। तो इस जोन में क्या होता है कि आयरन का जो ऑक्साइड है हेमाटाइट वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है 573 से 670 केल्विन के बीच में और इससे Fe3O4 बनता है और CO2 आपकी बाहर निकल जाती है। फिर ये Fe3O4 जो है ये और ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो फिर CO के साथ रिएक्शन करके और तब Fe अलग हो जाता है और 4CO2 बाहर निकल गई। फिर वैसे ही Fe2O3 जो है उस CO से डायरेक्ट जब इस टेम्परेचर रेंज में 773 से 873 के बीच में अगर करता है तो वहाँ पर आपके आयरन ऑक्साइड बनता है FeO और CO2 बाहर निकल जाता है। तो ये CO2 हर स्टेज में जो बाहर निकल रही है ये फर्दर कोक के साथ मिल करके कार्बन के साथ मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन करके फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लगती है और ये जब बना 2Fe तो FeO से फिर ऐसे भी रिडक्शन होते रहता है। तो ये बार बार साइक्लिक रूप से अपना स्टेप पूरा होते रहता है, इंटरमीडिएट स्टेज बनते रहता है आयरन ऑक्साइड के डिफरेंट फॉर्म और फाइनली आपका आयरन का एक्सट्रैक्शन होते रहता है। इसके बाद दूसरा टेम्परेचर रेंज होता है एट टेम्परेचर रेंज 900 to 1500 केल्विन, तो इसको हम लोग कम्बसन जोन बोलते हैं, ये आपका रिडक्शन जोन था इसको कम्बसन जोन बोलते हैं मिडिल में। तो इसमें क्या होता है कि CO2 गैस है, ये वाली सब CO2 गैस और कार्बन के साथ मिल करके वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है, फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ यूटिलाइज होने लगता है। इसके बाद ये FeO प्लस और जो CO मिल रहा है तो ये मिल करके क्या होते हैं तो Fe अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है, तो इसको हम लोग स्पॉन्जी आयरन बोलते हैं। अब इसके बाद इसमें स्लैग फॉर्मेशन यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रोसेस हो रहा था तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट पहले ब्रेक करता है और कैल्शियम ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और साथ में यहाँ पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये तो आप इसको एमिट कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ये भी आपका निकल गया और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि आपका डिजॉल्व नहीं हो रहा था
तो इसके साथ हीट करने पर आपको कैल्शियम सिलिकेट देता है, और कैल्शियम सिलिकेट स्लैग के रूप में होता है, यही लाइट होता है आयरन से, इसलिए आयरन के ऊपरी सतह पर तैरते रहता है, फ्लोट करते रहता है, और ऊपर में ऑक्सीजन या एयर है तो एयर का ऑक्सीजन आयरन के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होने देता है। फिर लोएस्ट टेम्परेचर जो है एट मेल्टिंग एट टेम्परेचर रेंज बिटवीन 1500 केल्विन टू 2000 केल्विन, तो इस रेंज इसको मेल्टिंग जोन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी बनते हैं, फिर आयरन ऑक्साइड और कार्बन मिलता है तो उसमें भी आयरन अलग होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपरी रीजन में जाती है, ऊपरी जोन में जाती है, तो फिर यहाँ पर ये प्रीवियस रिएक्शन को रिपीट करते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन में आपका आयरन निकलते जाता है, नीचे लोएस्ट रेंज में मेल्ट करके निकलता है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस से। अब जो मोल्टेन आयरन होता है उसको हम लोग पीग आयरन कहते हैं, और उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, लगभग 4% कार्बन होता है उसमें जो डायरेक्ट निकलता है फर्नेस से, और उसको हम लोग उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन फॉस्फोरस या सल्फर या मैग्नीज की इम्प्योरिटीज भी रह सकती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीग आयरन। ये आपका नाम दिया गया है, याद रखिएगा, जो ब्लास्ट फर्नेस से डायरेक्ट निकल रहा है वो आपका पीग आयरन हुआ। अब इसके बाद कास्ट आयरन होता है, तो पीग आयरन को जब मेल्ट किया जाता है तो कास्ट आयरन इज मेड बाय मेल्टिंग पीग आयरन विथ स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट, ये भी ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। तो इसमें कास्ट आयरन निकालते हैं पीग आयरन से, और इसके बाद क्या है इसी कास्ट आयरन से, तो ये कास्ट आयरन की विशेषता होती है जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बूंदा भी कहते हैं, गाड़ी के चैम्बर वगैरह बनाने में, मशीन के चैम्बर जो बनाने होते हैं उसमें आता है। तो इसमें 3% के अप्रॉक्स कार्बन रहता है, और ये काफ़ी हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ये आयरन जो होता है कास्ट आयरन, ये आपका ब्रिटल होता है, तो इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल कंटेनिंग 3% कार्बन, यहाँ पर लिख देते हैं 3% कार्बन, 3% कार्बन कंटेन करता है। और इसके बाद जो आता है तो रॉट आयरन, तो रॉट आयरन जो होता है इस से बनाया जाता है, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन होता है, जो हम लोग आयरन यूज करते हैं कमर्शियल लेवल पर उसका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है हमारा ये रॉट आयरन। और ये रॉट आयरन को हम प्राप्त करते हैं कहाँ से, तो कास्ट आयरन से। तो पहले पीग आयरन निकला, पीग आयरन से कास्ट आयरन बनाया गया, कास्ट आयरन से फिर रॉट आयरन बनाया जाता है, और इसी का हम लोग डिफरेंट टाइप के एंगल्स रॉड्स ये सब बनाने में ज़्यादातर कमर्शियल रूप में यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप आयरन के एक्सट्रैक्शन को देखें। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कॉपर के एक्सट्रैक्शन को। ये पायरोमेटलर्जी में दो पार्ट हैं, इसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले प्रोसेस को देखेंगे, तो आज हम लोग कॉपर को देख लेते हैं। देखिए दूसरा हम लोग निकालते हैं पायरोमेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड। तो देखिए कॉपर के जो ओर होते हैं वो मेनली सल्फाइड ओर के रूप में होते हैं, और आप जानते हैं कि उनका कंसंट्रेशन करने के लिए सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करते हैं। तो इसके कॉपर के ऑक्साइड का हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से कंसंट्रेशन कर लेते हैं। इसके बाद जो कंसंट्रेटेड ओर होते हैं उनको हम लोग हीटिंग करते हैं, तो हीटिंग में यहाँ पर रोस्टिंग करते हैं, चूँकि कॉपर के जो ओर होते हैं मेनली सल्फाइड ओर होते हैं, सल्फाइड कंटेन करते हैं, तो उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, यानी उसको रोस्टिंग करते हैं, और रोस्टिंग के बाद फर्दर हीटिंग करते जाते हैं तो उनका रिडक्शन होता है डिफरेंट स्टेप में, और हमको कॉपर मिलता है। कॉपर के ओर में कुछ कंडीशन में आयरन के भी रस, जैसे CuFeH2 एक ओर होता है, तो उसमें कॉपर ग्लांस है तो उसमें आपको सल्फर भी रह सकता है, और सल्फर के साथ आयरन भी कभी कभी रह सकता है। तो सल्फर है तो सीधे रोस्टिंग करेंगे तो जैसे कॉपर पैराइट है CO2H, तो कॉपर पैराइट में आप हीट करेंगे डायरेक्ट, तो आपको
सल्फर डाइऑक्साइड पहले मिलता है और कुछ कॉपर ऑक्साइड बनता है, या फिर उसके बाद एयर का अमाउंट कंट्रोल करके फर्दर हीटिंग शुरू करते हैं, रिडक्शन होने लगता है तो आपको मिल जाता है कॉपर। फिर अगर आयरन है तो आयरन उसमें से निकल रहा, आयरन अपने ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग ऊपर से फ्लक्स के रूप में उसमें सिलिका मिला देते हैं। आयरन के एक्सट्रैक्शन में सिलिका पहले से प्रेजेंट था तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया फ्लक्स के रूप में, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसको हटाने के लिए हम लोग उसमें सिलिका मिला देते हैं फ्लक्स के रूप में, जिससे आयरन सिलिकेट आपका स्लैग बनकर के अलग होता है। और जब कॉपर का ऑक्साइड बनता है तो प्रिंसिपल के अनुसार डायरेक्ट, चूँकि आप देखते हैं एलिंगम डायग्राम में देखे हुए कि कॉपर का जो लाइन था वो सबसे ऊपर था ग्राफ, और कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो रिडक्शन था ऑक्सीडेशन कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसके रिस्पेक्टिवली काफ़ी नीचे था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कॉपर ऑक्साइड जो है उसको कॉपर के साथ मिला करके अगर रिडक्शन कराते हैं तो बहुत ईजी वे में रिडक्शन हो जाता है, चूँकि गिब्स एनर्जी ज़्यादा निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ भी हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस में उसके साथ हम लोग डायरेक्ट एक साथ रोस्टिंग और फिर हीटिंग का प्रोसेस करते हैं, स्मेल्टिंग का प्रोसेस करते हैं और हम लोग प्राप्त करते हैं। तो उनके डिफरेंट स्टेप वाइज रिएक्शन को देख लेते हैं कि मेनी ऑफ द ओर्स ऑफ कॉपर आर सल्फाइड एंड सम मेन ऑल्सो कंटेन आयरन, द सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड और स्मेल्टेड टू गिव ऑक्साइड। मेन प्रिंसिपल इसका यही है। तो हम जैसे कॉपर का ऑक्साइड Cu2S है, उसे मिला करके हीट किए, उसे भी हीट करना मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम इसका रोस्टिंग कर रहे हैं, तो 2CuO प्लस SO2 निकल गया, गैस निकल गई और ये आपका बन गया कॉपर का ऑक्साइड। अब द ऑक्साइड कैन देन बी ईजिली रिड्यूस टू मेटालिक कॉपर यूजिंग कुक, यानी कुक रिडक्शन से हम कर सकते हैं, जैसे Cu2O प्लस C तो 2Cu प्लस CuA भी हो सकता है। जनरली इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस द ओर इज हीटेड इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस। फर्नेस का नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। आयरन में हम लोग यूज कर रहे थे ब्लास्ट फर्नेस, इसमें रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो आफ्टर मिक्सिंग विथ सिलिका आयरन ऑक्साइड स्लैग्स ऑफ एज आयरन सिलिकेट, वही आयरन ऑक्साइड है तो आयरन सिलिकेट में कन्वर्ट हो गया आपका यहाँ पर, एंड कॉपर इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मेट। तो कॉपर जो बनता है इस कंडीशन में आयरन के प्रेजेंस में, तो उसमें कॉपर के सल्फाइड भी रह सकते हैं और आयरन के सल्फाइड भी कुछ मात्रा में रह सकते हैं, और उनको हम लोग कहते हैं कॉपर मेट। इसके बाद विच कंटेंट अच्छे FeO जो मिला, आयरन का ऑक्साइड मिला तो सिलिकन के साथ सिलिकन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो FeSO3 आपका स्लैग बन गया। अब कॉपर मेट जो बना उसको हम लोग फिर चार्ज कर लेते हैं, कॉपर मेट है चार्ज इनटू सिलिका लाइंड कन्वर्टेड, सम सिलिका इज आल्सो एडेड एंड हॉट एयर ब्लास्ट इज ब्लोन टू कन्वर्ट द रिमेनिंग FeS। अब FeS को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, हटा देते हैं, FeO में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो FeS, FeO एंड Cu2S, Cu2O टू द मेटल कॉपर। मतलब अब इसमें जितने भी मिले तो सबको हम लोग थोड़ा सिलिका और मिला देते हैं कि अगर और आयरन होगा तो सिलिकेट के रूप में अलग हो जाएगा, हॉट एयर करते हैं देते हैं ताकि उसका रिडक्शन हो जाए, और रिडक्शन होने के बाद फाइनली आपको मेटल मिल जाता है। तो अब उसमें आयरन जो मिलता है वो सिलिका मिलाते जाने के कारण सिलिकेट के रूप में, आयरन सिलिकेट के रूप में अलग होते जाता है, और कॉपर जो होता है वो आपका अलग निकलता है। तो जो कॉपर निकलता है तो इस हर एक स्टेप में आप रिएक्शन में देख रहे हैं कि जैसे फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, जैसे आयरन सल्फाइड है ऑक्सीजन के साथ क्या, तो आयरन का ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। FeO जो यहाँ मिला ये भी सिलिकन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, ये वाला रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन से आपका आयरन सिलिकेट स्लैग बन गया, तो ये निकल गया, आयरन का काम खत्म। अब कॉपर का ऑक्साइड जो बचा हुआ है, तो कॉपर सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड को जब ऑक्सीजन से हीट कर रहे हैं तो आपको कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है, SO2 गैस निकल रही है, जस्ट लाइक ये आपका हो रहा है यानी रोस्टिंग का प्रोसेस। और उसके बाद ये जो कॉपर ऑक्साइड है
बन जाता है, तो इसके बाद कुछ देर के बाद उसका ऑक्सीजन का सप्लाई, एयर का सप्लाई ये रोक दिया जाता है और हीट किया जाता है किसको, जो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बना है और जो रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड है उसको। तो जब इन दोनों को गर्म करते हैं और तो गर्म करने पर कॉपर यहाँ और यहाँ से निकल जाता है, सल्फर और ऑक्सीजन चूंकि एक दूसरे के काफ़ी नज़दीकी हैं, एक ही ग्रुप के हैं, तो आपस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गए, तो फाइनली आपका कॉपर यहाँ पर मेटल के रूप में प्राप्त हो गया। अब ये कॉपर तो पिघला हुआ है, जब इसको हम ठंडा करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि गैस के रूप में SiO2 निकल रहा है और कॉपर आपका पिघले हुए कंडीशन में है। तो जब कॉपर को निकालते हैं तो उसमें से SiO2 गैस पूरे बल्क ऑफ मोल्टेन स्टेज में निकलती रहती है। तो जब हम उसको ठंडा करते हैं तो एक कॉमन चीज़ आपको दिमाग में होगा कि किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो हम नीचे से करते हैं और उसका कूलिंग होता है तो ऊपर से होता है। तो जब कॉपर को ठंडा होने दिया जाता है तो ऊपर से पहले लेयर हार्ड होते जाता है और नीचे आपकी गैस है अभी भी रहें तो गैस बबल्स मिल करके उसमें बीच बीच में ब्लिस्टर्स बना देते हैं। ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोला, छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। तो इसलिए वो जो कॉपर होता है उसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर भी बोलते हैं। और फिर जब ब्लिस्टर कॉपर से हमको प्योरेस्ट कॉपर प्राप्त करना होता है तो हम लोग उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके और तब प्योर कॉपर प्राप्त कर लेते हैं जो 99.99% तक प्योर होता है। तो वही द सॉलिडिफाइड कॉपर इज ब्लिस्टर्ड, ये जो आपका सॉलिडिफाइड कहता है तो ब्लिस्टर्ड होता है, फफोलेदार होता है ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड या जो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही सीखता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड हेंस इट इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर। प्योर कॉपर इज ऑब्टेंड बाई इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें एक और बात है, उसको एनोडाइजिंग भी कहते हैं, जो कॉपर का करते हैं वहाँ पर एनोडाइजिंग भी बोल सकते हैं। तो क्योंकि उसमें इम्प्योर जो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, उसमें इम्प्योर कॉपर को एनोड पर रखा जाता है, प्योर कॉपर का एक पतला स्ट्रिप लिया जाता है आपको कैथोड के रूप में और उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज करते हैं। डीसी इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर आपका जो एनोड पर का इम्प्योर कॉपर था उसमें से प्योर कॉपर के पार्टिकल डिजल्व होते हैं सॉल्यूशन में और फिर जाकर के वो जमा होने लगते हैं कैथोड पर और उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, जिसको हम लोग एनोड मड के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से जो कैथोड वाला प्लेट होता है रिएक्शन कम्प्लीट होने पर मोटा हो जाता है और प्योर कॉपर का प्लेट होता है जिसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद इसी पायरोमेटलर्जी में एक लाइन का छोटा सा एक्सट्रैक्शन है, जिंक ऑक्साइड का भी दे दिया है, उसको भी देख लीजिए कि जैसे जिंक ऑक्साइड से जिंक को अगर हम निकालना हो तो सिंपली हम उसका कार्बन से रिडक्शन करके निकाल सकते हैं। उसमें टेम्परेचर कॉपर के रिस्पेक्टिवली ज़्यादा रखा जाता है तो ZnO+C मिला करके हीट करते हैं कुक के साथ 1673 केल्विन के अप्रोक्स में, तो आपको जिंक अलग होता हो जाता है, CO आपकी अलग निकल जाती है और ये जो जिंक निकला हुआ है पिघले हुए रूप में होता है तो इसको डिस्टिल करके इवेपोरेट करते हैं और फिर रैपिड चिलिंग के द्वारा मतलब उसको डिस्टिल्ड करते हैं, इवेपोरेट करते हैं और उसके इवेपोरेट को ये जब काफ़ी हॉट हो जाता है तो उसके बाद डिस्टिल्ड को तेज़ी से कूल करते हैं, रैपिड चिलिंग करते हैं। तो उस तरीके से आपको जिंक मेटल आराम से निकल जाता है। तो पायरोमेटलर्जी में हमको ये दिया हुआ था, तो आज के वीडियो में हम लोग पायरोमेटलर्जी के द्वारा एक्सट्रैक्शन देखे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको फ़ायदा दे रहा है अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर इसमें आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप अपना वैल्यूएबल सजेशन हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसके अनुसार हम और इसमें जो कर सकते हैं चेंजेज वो कर सकते हैं आपको लीजिए, ताकि वीडियो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। चैनल से बने रहिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।